नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C31 versus Micro Max in Note 2 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C31 में 6.48 इंच जबकि इन Note 2 में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme C31 से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme C31 में 3 इंच जबकि इन Note 2 में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme C31 से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C31 में 197 ग्राम जबकि इन Note 2 में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme C31 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme C31 में IPS LCD जबकि इन Note 2 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C31 में 6.5 इंचेस जबकि इन Note 2 में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme C31 में 720x1600 और इन Note 2 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C31 में 81.38% जबकि इन Note 2 में 84.02% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme C31 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि इन Note 2 में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme C31 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और इन Note 2 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme C31 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और इन Note 2 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme C31 में Mali G57 MP1 जबकि इन Note 2 में Mali G76 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C31 में Unisoc T612 और इन Note 2 में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि इन Note 2 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि इन Note 2 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme C31 में अप टू 1TB जबकि इन Note 2 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें इन नोट 2 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C31 में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Micromax एंड Note 2 की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में इन Note 2 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21a है, दूसरा Poco M4 Pro 5G है, तीसरा Realme C35 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Pova Neo है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।